फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। स्वागत है विकास आपका, बताइए अपनी राय पहले तो निफ्टी पर। जी अनिल जी, जैसे कि आप नोटिस करो तो एक जियो पॉलिटिकल इशू की वजह से निफ्टी एक अपर साइड रेंज में जब भी 9940-9970 के आसपास जाते हैं तो वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने मिलता है। और एज ए नीचे जैसे 9870 और 9900 के आसपास आता है तो वहाँ पे वापस एक बाइंग रुझान बन जाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी अभी निफ्टी जिस रेंज में ट्रेड करी तो यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे बाय करके जाना चाहिए। बट मेरा यहाँ पे बाय यहाँ पे स्टिगर होगा 9920 के ऊपर, अगर निफ्टी यहाँ पे जाती है डेली में यहाँ पे पूरे दिन में तो वहां पे बाय करके जाना चाहिए। और अपसाइड में मुझे लगता है 9970 के आसपास का एक टारगेट यहाँ पे बनाया जा सकता है। नीचे में 9870 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि अगर 9870 के नीचे जाता है तो वहां से जो ट्रेंड जो है मार्केट का वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, वहां से वापस 9800 के लेवल्स आ सकते हैं। तो 9870 यहाँ पे मुझे लगता है कि मेजर सपोर्ट है, तो वहां पे स्टॉप लॉस रख के 9970 के टारगेट के लिए जाना चाहिए। ओके, तो खरीदारी करें लेकिन अभी नहीं, 9920 पार होने दें, यानी कि यहाँ से 10 पॉइंट और बढ़ जाए निफ्टी, उसके बाद ही आपको तेजी करनी चाहिए। ये तो राय है इस वक्त निफ्टी पर खरीदारी करने के लिए, आज से कंडीशनल बाय 9920 के ऊपर, ये राय विकास की। विकास बताइए निफ्टी के अलावा फिर बैंक निफ्टी में भी क्या खरीदारी करेंगे और क्या खरीदारी करनी, तो इसी लेवल पे या थोड़ा इंतजार करना है वहां भी? यहाँ पे बैंक निफ्टी में मुझे सेम स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है 24260 के ऊपर अगर स्पॉट में अगर बैंक निफ्टी है उसके ऊपर जा रहा है डेली में तो वहाँ पे इसका बाइंग ट्रिगर हो सकता है। तो वहाँ पे बाय करके ऊपर में 24400 के आसपास के यहाँ पे टारगेट बनाया जा सकते हैं। नीचे में जो डेज लो था आज इंट्रा डे का जो नीचे की साइड, उसने 24150 के आसपास का जो लो किया था उसी को यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रख के इसको बाय करके जा सकते हैं। और ये भी जो दोनों भी कॉल है वे 1 से 2 दिन के लिए है। एक से दो दिनों के लिए यहाँ पर करें आप तेजी, लेकिन खरीदने 24260 के पार और लगभग उन लेवल के आसपास आ चुका है बैंक निफ्टी, 24250 तो आ ही चुका है, थोड़ा और 10-15 पॉइंट बढ़ जाए तो उसके बाद आप खरीद लीजिए बैंक निफ्टी को। ऊपर की तरफ का टारगेट बनेगा 24400 का, 24150 आज का लो आपके लिए स्टॉप लॉस का करेगा काम। असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेलीकॉम सेक्टर पर हमारी एक्सक्लूसिव खबर पर राय देने के लिए, विस्तार से डिटेल्स देने के लिए। बताएं असीम, क्या है खबर? देखिए अनिल, जब आईएमजी ने टेलीकॉम कंपनियों के साथ मुलाकात की थी तो टेलीकॉम कंपनियों ने दो मांग जो है आईएमजी के सामने रखी थी। पहला कि स्पेक्ट्रम कैप में जो है उनको छूट मिलनी चाहिए, दूसरा कि आईयूसी जो है वो बढ़ना चाहिए। तो आईएमजी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। आईएमजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ट्राई जो है वो स्पेक्ट्रम कैप को रिलैक्स करने पर विचार जो है वो करे। तो टेलीकॉम कमीशन जिसकी बैठक 8 सितंबर को होने वाली है वो ट्राई से इसके ऊपर राय मांगेगा कि क्या स्पेक्ट्रम कैप को रिलैक्स किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अगर स्पेक्ट्रम कैप रिलैक्स की जाती है तो टेलीकॉम कंपनियों को मर्जर और अधिग्रहण करने में आसानी होगी, टेलीकॉम सेक्टर में हम और कंसोलिडेशन जो है वो देख सकते हैं। दूसरी डिमांड थी कि आईयूसी को बढ़ाया जाए, उसको लेकर के आईएमजी ने अपनी कोई भी राय जो है वो नहीं दी है। उनका कहना है कि ट्राई जो है इसके ऊपर विचार कर रहा है और ट्राई इसके ऊपर अंतिम फैसला जो है वो लेगा, हमें इसके ऊपर कोई भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये दो इंपॉर्टेंट आईएमजी ने अपने रिपोर्ट में रखा है जिसके ऊपर की टेलीकॉम कमीशन 8 सितंबर को फैसला लेने वाला है। अच्छा, तो स्पेक्ट्रम वाले मामले में अब टेलीकॉम कमीशन को फैसला लेना है और आईयूसी वाले मामले में ट्राई को फैसला लेना है, राइट? जी सही कहा आपने, जो टेलीकॉम कमीशन है वो 8 सितंबर को मिलेगा, उसके अंदर वो विचार करेगा कि क्या ट्राई से हमें इसके ऊपर राय मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए, स्पेक्ट्रम कैप को रिलैक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ट्राई की जो स्पेक्ट्रम कैप की आईयूसी की रिकमेंडेशन है उसके ऊपर भी काम जो है वो चल रहा है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो सिफारिशें जो है वो भी आ सकती है। तो जहां तक मुझे जानकारी असीम, शायद ट्राई ने ही आईएमजी से राय मांगी थी, लेकिन आईएमजी अब फिर से कह रहा है कि ट्राई डिसाइड करे आईयूसी कम ज्यादा करना है नहीं करना है, राइट? देखिए आईयूसी जो है वो प्रीव्यू टीआरआई का ही है, टीआरआई उसको रेगुलेट करता है, टीआरआई उसको रिकमेंड करता है। तो पिछले कई सालों से जैसे कि टैरिफ जो है वो ट्राई के डोमेन में है तो उसको देखते हुए टीआरआई ही डिसाइड करेगा। हालांकि टेलीकॉम कंपनियों ने डिमांड की थी कि सरकार जो है दबाव बनाए टीआरआई के ऊपर कि इसको बढ़ाया जाए, लेकिन आईएमजी ने साफ मना कर दिया कि हम इसमें दखल अंदाजी जो है वो नहीं करेंगे, ट्राई इसको रिव्यू कर रहा है, ट्राई को इसको रिव्यू जो है वो करने दिया जाना चाहिए और ट्राई अपनी सिफारिशें जो है 1 हफ्ते भर के अंदर सौंप सकते। परफेक्ट, बहुत बहुत शुक्रिया ये एक्सक्लूसिव जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर टेलीकॉम कमीशन लेगा फैसला स्पेक्ट्रम की कैप पर 8 सितंबर को और वहीं अगले कुछ दिनों में ट्राई डिसाइड कर सकता है आईयूसी पर जो टेलीकॉम कंपनियों की मांग है बढ़ाने की उस पर क्या कुछ किया जाए, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। चलिए टेलीकॉम शेयरों पर रखिए नजर, इन खबरों के बाद थोड़ी रिकवरी निचले स्तरों से आई है शेयरों में, ये तो आप देख ही सकते हैं, आइडिया, भारती, आरकॉम, ये तमाम शेयर आपकी स्क्रीन पर आते हुए, आइडिया तो नीचे है, भारती ये देख लें
थोड़ी सी मजबूती भारतीय में ही और आरको में भी थोड़ी सी मजबूती आती दिख रही। चलिए हम बात कर रहे थे विकास से, विकास से तो हम पूछ ही चुके हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पर उनकी राय, और थोड़ी देर में हम उनसे पूछेंगे कि स्टॉक्स कौन से पसंद है उन्हें तेजी या मंदी के लिहाज से। लेकिन उससे पहले मेघना मलकान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है मलकान.com से। मेघना स्वागत है आपका, बताइए पहले तो अपनी राय निफ्टी पर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। जी गुड आफ्टरनून। और यस द वे निफ्टी मूव हो रही है, आई थिंक आई वुड लाइक टू गो विद अ पॉजिटिव बायस। निफ्टी पे 9880 का स्टॉप लॉस रख के चलना चाहेंगे बिकॉज ओवरऑल आई थिंक द सेक्टर्स आर डूइंग गुड और मोमेंटम अभी भी बुलिश मेंटेन है निफ्टी में, और टारगेट 9970 का रखना चाहिए। ओके, तो आज का लो का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करें। बताएं मैं एक ना फिर स्टॉक कौन सा पसंद है आपको? स्टॉक को मैं ओएनजी से भी देना चाहूंगी बिकॉज आई रियली लाइक द वे द स्टॉक हैज बीन कंसोलिडेटिंग एट द बॉटम, स्पेशली कैंडलस्टिक पैटर्न जो बन रहे हैं नीचे में अगर देखेंगे तो वी We have a quite good formation or candlestick pattern. Volume अच्छा बनता दिखाई दे रहा है, positive bullish candle pattern से. Momentum is getting a bit stronger in the bottom. तो ONGC पे buy call देना चाहूंगी with a stop of 159 और ऊपर में 170 का target expected. Okay, तो ONGC है आज आधा परसेंट मजबूत, 1% open interest बढ़ता हुआ। बात करते हैं ट्रेड बुल्स के सचिदानंद उत्तेकर से, लेते हैं उनकी राय। पहले तो निफ्टी पर बताएं सचिदानंद, तेजी करेंगे या मंदी? जी, अगर हम इस हफ्ते की शुरुआत देखें तो काफी नेगेटिव नोट पे इंडेक्स शुरू हुआ था और उस लेवल के बाद ही इनफैक्ट 9950 के आसपास दबाव बनते आ रहा है, तो यहाँ पर सेल ऑन राइज ही अडॉप्ट करेंगे हम। इनफैक्ट 9920 एक अच्छा लेवल है जहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए निफ्टी स्पॉट के हिसाब से। 9952 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए और यहाँ से हम एक्सपेक्ट करें कि थोड़ा सा मूव नीचे की और ही आएगा। 9840 9830 के लेवल यहाँ पर देखे जा सकते हैं अगले कुछ दिनों में, तो यहाँ पर सेल ऑन राइज ही स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेंगे एंड 9952 का स्टॉप लॉस होगा ऑन अ क्लोजिंग डे। ओके, तो ये है राय इस वक्त निफ्टी पर। शॉर्ट साइड पर 9952 का स्टॉप लॉस लगाकर करें मंदी, कल के हाईज पर स्टॉप लॉस लगाएं 9000 कल की क्लोजिंग पर और 9840 का टारगेट नीचे की तरफ। इस बीच वोखार के लिए कुछ खबरें आती दिख रही है, बुखार ने एंटीबायोटिक दवा की 7332 बोतल्स वापस मंगाई है। ओके, और ये बुखार की सब्सिडी ने ये बोतल्स वापस मंगाई, ये खबर आती हुई दिख रही है, तो बुखार के लिए मामूली सी नेगेटिव खबर है। एंटीबायोटिक दवा सिप्ला बनाती है, ओके देखना होगा, फिर सिप्ला बनाती तो बुखार क्यों रिकॉल कर रही है। ओके, पूरी खबर समझेंगे थोड़ी देर में, देखते हैं उससे पहले आगे बढ़ते हैं। और इस बीच हमारे साथ अगले एक्सपर्ट के तौर पर शामिल हो रहे हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग से निशांत जैन। निशांत जी पहले तो बताइए अपनी राय निफ्टी पर, क्या सलाह दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को? अनिल जी 9950 एक अहम रेजिस्टेंस लग रहा है मुझे निफ्टी का, तो जब तक ऊपर नहीं जा मेरी सेल का व्यू रहेगा। 9810 के टारगेट से सेल करें और 9950 का स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, तो ये है राय निशांत की निफ्टी पर। सचिदानंद हमारे साथ है और निशांत भी है। पहले सचिदानंद आपसे आपका स्टॉक पूछ लूं, बताइए स्टॉक आपका कौन सा है, किस तरफ? कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहूंगा, यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ऐसे प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस अगर हम लास्ट दो महीने देखे तो एक ऑलमोस्ट 20% ड्रैग देखा गया था। सात हफ्ते के मंदी के बाद एक अच्छे संकेत मिल रहे थे, यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल आ सकता है, तो काफी अच्छा एक पोजिशनल सेटअप यहाँ पर अवेलेबल है। 430 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर इनिशिएट कर लेना चाहिए लॉन्ग पोजिशन, एक अच्छी मूव आ सकती है अराउंड 470 तक की, तो इनिशियल टारगेट होगा अराउंड 470 तक का इस पर्टिकुलर एक्सपायरी के लिए। बट ओवरऑल ये पर्टिकुलर मूव जो है वो काफी स्विफ्ट हो सकती है, तो अगले एक से दो हफ्ते के अंदर ये पर्टिकुलर टारगेट अचीव हो सकते हैं, काफी अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी है। 430 का स्टॉप लॉस होगा। परफेक्ट, तो स्टॉक है आज 0.5% कमजोर और ये सही वक्त है जब स्टॉक है कमजोर, खरीदें आप। सचिदानंद कह रहे हैं कि 430 पर स्टॉप लॉस लगाइएगा, 470 के टारगेट के लिए ओपन इंटरेस्ट 4% से ज्यादा बढ़ा है आज आईसीआईसीआई प्रू में। वहीं निशांत जैन हमारे साथ है और निशांत की पिक भी ले ली जाए, बताइए सर कौन सा स्टॉक आपकी लिस्ट में है? अनिल जी स्टॉक चलना है सेल का, ये बाय कॉल है, 66 के टारगेट से इसे ले सकते हैं और 6150 का स्टॉप लॉस रहेगा। परफेक्ट, तो सेल खरीदे आज 1% मजबूत, और जहां दूसरे मेटल्स कमजोर है वहीं सेल में मजबूती का रुझान दिख रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है 12.5 लाख शेयरों से। आखिरी एक्सपर्ट सुमित जैन है डेस्टिमनी सिक्योरिटीज से, तो पहले तो लेंगे उनकी राय, बताइए सुमित क्या करें वायदा कारोबार के आंकड़े?
जी यहाँ पर जो मैं एक चीज देख रहा हूँ निफ्टी का, मुझे एक काफी रेंज बाउंड मूवमेंट लग रहा है, काफी एक टाइट रेंज है 9900 और 10,000 के बीच। तो सिंस वी आर अभी हम लोग लोअर एंड ऑफ द रेंज के पास ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं बाय करके चलना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 9868 का एंड मेरा टारगेट रहेगा 9990 का। ओके, तो खरीदारी करेंगे निफ्टी में 9,990 या यूं कहें कि 10,000 के आसपास के टारगेट के लिए 9968, ये है स्टॉप लॉस का लेवल निफ्टी पर सुमित की तरफ से। सुमित, तो फिर जाहिर सी बात है स्टॉक भी खरीदेंगे आप? बिल्कुल, मैं स्टॉक वही खरीदूंगा। इनफैक्ट जो आपने थोड़ी देर पहले खबर सुनाई कि वोकार्ट फार्मा में कोई रिकॉल की न्यूज आई है, तो मेरा वोकार्ट फार्मा आपका लॉन्ग कॉल है शॉर्ट कॉल है? आप तो खरीदना चाहते हैं। ओके, हां बताइए टारगेट। लॉन्ग कॉल है मेरा, स्टॉप लॉस रहेगा 603 का और टारगेट रहेगा 648 का। ओके परफेक्ट है, तो यहां पर वोकार्ट खरीदने की राय, तो चारों एक्सपर्ट्स की राय निफ्टी में तो बटी, पांचों एक्सपर्ट्स की राय निफ्टी में बटी है, लेकिन स्टॉक्स चारों खरीदना चाहते हैं और मिड कैप इंडेक्स आप देख सकते हैं हरे निशान में भी आ गया। निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज है बता दूं, नीचे की तरफ सपोर्ट 9,800 से 9,850 के जोन में है, ऊपरी स्तर पर 9,950 से 9,990 की रेंज में आपको करनी है मुनाफा वसूली। ये है राय हमारे पांचों एक्सपर्ट्स की। ब्रेक, और ब्रेक के बाद लेंगे विकास सालुंखे से उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स। DP Twister Leggings presents Top Stocks of the Day. Dixon Technologies India Limited. Public offer of equity shares of Rs. 10 each through the book building process in the price band of Rs. 1760 to Rs. 1766 per equity share. Bid offer opens on Wednesday, September 6th, closes on Friday, September 8th, 2017. For risk factors and other details, please refer to the Red Herring Prospectus available on the websites of SEBI, BSE, NSE and the BRLMs to the offer. पेश है निरोलैक एक्सेल माइका मार्बल, जो पेंट को बनाए टफ और उसकी शान बनाए रखे सालों साल। निरोलैक, निरोलैक। बचपन से सुनते आ रहे हैं पढ़ाई कर, टॉपर आ तो बोले 9 से 5 की नौकरी कर, फिर भी बोलने लगी ओवर टाइम कम कर, कभी तो छुट्टी लिया कर, ये सब कैसे करूं, सोच के घूमने लगा है मेरा सर। शेर खान कर फाइनेंस में सिर्फ अपनी सुन, शेर खान पर क्यों और कैसे इन्वेस्ट करते हैं समझ, अपना फाइनेंस अपने काबू में कर, शेर खान कर इन्वेस्टमेंट। In securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Sir, ये देखिए, एक के साथ एक free saving करनी हो तो ले लीजिए। एक saving ऐसी भी होती है जो पहले पैसे बचाए बाद में जेब खाली कर जाए। इसका triple advantage असली saving। Ask for Cisco. Cisco LED, light years ahead. Cisco. बड़े बड़े बबल में जाएंगे कुछ और वाटर पे स्कूटर चलाएंगे, पानी पर बनाएंगे सड़क 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 सड़क, चपक 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 मस्ती लल्ला पकला बलून में लटक लटक बनेंगे पतंग, जंगल में भटक भटक चिड़ियों के संग, छतरी में अटक अटक हवा खाएंगे, सरक 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 गोते लगाएंगे, आसमान में उड़ेंगे बन सुपर हीरो, धरती पर जाएंगे टपक 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 टपक, चपक 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 मस्ती लल्ला पकला पकला पकला। मध्य प्रदेश के हनुमंतिया जल महोत्सव में आइए, दिल होगा बच्चे जैसा धड़क 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 धड़क। अपने बचत खाते पर पाइए 6% ब्याज, साथ ही खाता खोलिए घर बैठे आसानी से। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज से विकास सालों के हमारे साथ है, लेते हैं उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स और उनकी लिस्ट में है 3 बाय कॉल्स, जेट एयरवेज सबसे ऊपर, बताएं विकास।
जी अनिल जी, जैसे जेट एयरवेज का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखो डेली का, वहाँ पे मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे देखोगे तो 580 के आसपास ये सस्टेन हो रहा था, उसके ऊपर अभी सुबह से एक ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है ये जैसे कि 582-583 के ऊपर जैसे निकल जाए तो यहाँ से एक इमीडिएट टारगेट 600 के आसपास का यहाँ पे मुझे लगता है कि टेक्निकली आने के चांसेस है। ये भी टारगेट 1-2 दिन में आने के चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं। नीचे में अगर देखो तो 570 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट मेंटेन कर सकता है, तो वहाँ का एक स्टॉप लॉस रख के इसको यहाँ से 1-2 दिन के लिए बाय करके जाना। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक डिलीवरी बेस एक अच्छा काउंटर हो सकता है। मुझे लगता है कि ये काउंटर यहाँ से एक अच्छा 430-450 के आसपास के एक रेंज दिखा सकता है अपसाइड में। नीचे में अगर देखोगे तो यहाँ पे लगता है कि आज का जो कल का हाई था वहाँ के नीचे 385 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसको बाय कर सकते हैं। टेक्निकली देखो तो यहाँ पे एक वॉल्यूम ब्रेकआउट और विद प्राइस ब्रेकआउट के साथ आया, तो मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ से लगता है कि एक टेक्निकली एक अच्छा मोमेंटम कैरी करेगा और मुझे लगता है बहुत कम टाइम में 430 और 450 के आसपास के लेवल्स यहाँ पे दिखा सकते हैं। ओके, तीसरा स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस। इनफैक्ट आज सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां फिर से एक्शन में आती हुई दिख रही है, ये सही लेवल है खरीदने का? जी, अगर LIC की बात करें तो अभी तक उसने एक मोमेंटम नहीं किया, एक साइडवाइज मूवमेंट कर रहा था। अगर डेली चार्ट देखो तो कल लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में एक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा खासा एक मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है। अगर RSI देखो तो यहाँ से ओवर सोल्ड से निकल के वापस ऊपर की तरफ आया, तो मुझे लगता है इसमें अच्छा खासा पोटेंशियल है, तो ये स्टॉक भी एक अच्छा खासा यहाँ से मोमेंटम कर सकता है और ऊपर में 700 के टारगेट यहाँ पे आने के चांसेस है। नीचे में 670 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसको 1-2 दिन के लिए बाय करके जाना। ओके, एकमात्र शॉर्ट आपकी इस लिस्ट में जो देख रहा हूँ वो है PNB पंजाब नेशनल बैंक। क्या वजह आप शॉर्ट करना चाहते हैं, क्या टारगेट्स हैं? अनिल जी, अगर PNB बैंक की बात करो तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर अभी भी वहाँ पे देखा जा सकता है। बैंक निफ्टी में देखो तो प्राइवेट बैंक में थोड़ा सा मोमेंटम है, तो PNB बैंक में यहाँ पे सेलिंग है, उसमें मुझे लगता है कि PNB यहाँ पे एक नेगेटिव साइन कर रहा है। अगर उसका डेली चार्ट देखो तो वहाँ से लास्ट 5 दिन का जो लो बेस है वो भी उसने ब्रेक करके नीचे रखा है, 140-180 के आसपास का एक था लेवल, तो उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ से सेलिंग प्रेशर और बढ़ सकता है। नीचे में 134 के आसपास और 132 के आसपास के लेवल्स यहाँ पे आने के चांसेस है। अपसाइड में 143-144 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, तो उसको स्टॉप लॉस रख के नीचे में 134-132 के टारगेट यहाँ पे आने के चांस। ओके, स्टॉक है 2% कमजोर और आज 15-16% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, तो शॉर्ट्स तो जबरदस्त बन रहे हैं, इसे बेचना चाहिए 134 के टारगेट के लिए। विकास की राय। ब्रेक के बाद ऑप्शंस की रणनीति लेंगे हम, बने रहिए हमारे साथ। Hunter Refreshing Packaged Drinking Water presents Top Stocks of the Day. From the House of Soam Distilleries and Breweries Limited. Suno Sakhi, Karo Faide Ki, AIFS, Manwala Financial Services Limited. Gentlemen, if you want to beat the Indians, you have to think like Indians. Eat like Indians. And if it has to be, dance like Indians. Coach, shouldn't we also fly like Indians? Absolutely. Namaste. Non-stop you. Lufthansa. 6% ब्याज सेविंग्स अकाउंट पर। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। रफ्तार के वारने दिखाई अपनी धार, जब घड़ी इशारा करती है 9 बजे रात का, पूरे देश के लिए होता है वक्त 100 बात की एक बात का। देश का नंबर 1 शो देखिए News 18 इंडिया पर। Manav Infra Project Limited launches its IPO on the NSE Emerge platform with an issue price of 30 rupees per share. IPO opens on 4th September 2017 and closes on 8th September 2017. IPO led and managed by Navigant Corporate Advisors Limited. Nahe rang mein khushiyan sajaye, ye har cheez ko khoobsurat banaye. SD Paints ke sang.
अब रिश्ता पुराना और भी रंगीन होगा. एस डी पेंट्स, ट्रस्टेड सिंस 1963. Now please don't start मेरे बात तुम वाला nonsense. लोग उसके लिए इंश्योरेंस लेते हैं, ड्राइविंग लेसन नहीं. You're right. Max Life का टर्म प्लान ले लिया मैंने, तो पैसे की टेंशन नहीं होगी. लेकिन उसको खर्च करने के लिए अब मार्केट कैसे जाएंगे स्वीटहार्ट? चलो ए बी एक्सेलरेटर ब्रेक क्लच. ओके चलो. आप ही की तरह सोचे, दो कदम आगे. Max Life टर्म प्लान्स. क्या आप बेमिसाल कारीगरी और उत्तम डिजाइन से बनी सोने चांदी की मूर्तियां खोज रहे हैं? तो चुनिए अपनी पसंद. एमरल्ड ज्वेलरी इंडस्ट्री के विविध किस्म के डिजाइन में से जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और शिल्प कौशल के लिए विश्व विख्यात है. बनावट और कला ऐसी जो दिल को छू ले. सहज करामती कृतियां एमरल्ड की प्रस्तुति. किरण जाधव डॉट कॉम प्रस्तुत मॉडिफाइड टेक्निकल एनालिसिस के विषय में दो दिवसीय एक्सक्लूसिव वर्कशॉप. भारत के सभी मुख्य शहरों में ट्रेनिंग सेंटर्स. सीखिए स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट से और पाइए लाइफटाइम सपोर्ट. सभी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए जरूरी और फायदेमंद. किरण जाधव डॉट कॉम. एक सौ 45 अंक नीचे सेंसेक्स और 35 अंक नीचे निफ्टी. और राहुल शाह मोतीलाल ओसवाल एडवाइजर ग्रुप के, जिन्होंने भेजी हमें निफ्टी पर रणनीति. और वो कह रहे हैं कि तेजी करिए निफ्टी पर कॉल ऑप्शन खरीद कर. 10,000 का कॉल ऑप्शन मिल रहा है इस वक्त 78 रुपये में. 13 रुपये की रखिए रिस्क, 65 पर लगाइएगा स्टॉप लॉस. और 100 रुपये के टारगेट के लिए आपको यहाँ पर करनी है तेजी. ये है राय राहुल की. जाने से पहले आपको बता दें यूरोप के बाजार किस तरह की ओपनिंग यूरोप में होती हुई दिख रही है और डाउ फ्यूचर्स का क्या हाल चाल है वो भी देख लेते हैं ताकि अंदाजा लगे कि अच्छा यूरोप में कमजोरी होगी. लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, 1/4 से 1/3% की कमजोरी है वहाँ पर. मामूली नुकसान के साथ यूरोप के बाजार खुलेंगे. और डाउ फ्यूचर्स देख लीजिए, डाउ फ्यूचर्स में किस तरह का रुझान है इस वक्त. एकदम फ्लैट, कोई खास रुझान नहीं. ओके, फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही. ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आपके लिए बाजारों का हाल. बने रहिए हमारे साथ. नमस्कार. फ्यूचर्स एक्सप्रेस के प्रायोजक है मोतीलाल ओसवाल, LIC ऑफ इंडिया और हिंदवे स्टार्ट विद द एक्सपर्ट. लॉजिस्टिक्स पार्टनर ओम लॉजिस्टिक्स लिमिटेड. भाषाएं रंग रूप है जुदा जुदा, पर हमारी जुबान है एक. जुबा केसरी, बिमल बोलो जुबा केसरी. शहर में अपना घर हो तो फिर शहर भी अपना लगता. अब आपके अपने शहर में बनाएं आपका अपना घर. इंडिया बुल्स होम लोन्स.